हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग बहुत ज्यादा मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं और काफी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर वाई डिड यू यूमी सो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं मैं कोई बहुत ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें और ये सब नहीं करूंगा मैं बिल्कुल फ्रेंकली आप लोगों के साथ बात करूंगा आप लोगों को पता है भाई मैं फैमिली वाला आदमी हूँ और अभी तक मैं कुछ अर्निंग नहीं कर रहा था ओके आई हैव लॉर्ड ऑफ थिंग्स जस्ट बिकॉज मैं आप लोगों को कंटेंट फ्री में दे सकूँ सो so, अब मुझे लगा काफी टाइम हो चुका था और मुझे लगा कि एटलीस्ट एक छोटा सा एक इनकम का सोर्स मेरे पास होना चाहिए मतलब जिससे रेगुलरली मेरे पास कुछ इनकम आ सके और मैं अपने एक्सपेंसिस को प्रॉपरली मैनेज कर सकूँ, ओके okay? ऐसा नहीं था मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ ऐसा नहीं था कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था अपने एक्सपेंसेस मैं कर पा रहा था सेविंग्स थी मेरे पास बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे जब इतना टाइम हो जाता है ना मतलब बिना अर्निंग के तो थोड़ी सी मतलब मेंटली भी इंसान टॉर्चर होने लग जाता है और मेरे साथ ऐसे थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो रहा था माइंड पे रिलेटिव से लगा लो फैमिली से लगा लो हर तरफ से मतलब मेरे को सही बताऊँ तो बातें सुनने को मिल रही थी कि क्या कर रहा है अब तक कितना टाइम हो गया है कुछ अर्निंग नहीं है एंडस ऑन so तो अब तो दो दो फैमिलीज हैं आप समझ पा रहे हो गए मेरिड पर्सन तो दो दो फैमिलीज का प्रेशर रहता है तो ये तो फिर एट द एंड एक रेगुलर तो इनकम किया है सबको प्रॉमिस कर रखा है आपको कि मैं पूरा गेट सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे हुक और बाय्रुक मैं उस प्रॉमिस को पूरा करूंगा ही करूंगा आई थिंक आप लोग एटलीस्ट इतना तो जान चुके हो मुझे इतने टाइम से आप मेरे साथ हो

टाइम बाउंड मत करो मुझे कि कितने टाइम में डालोगे एंड सो so मेरे पास बहुत मैसेज स्टूडेंट्स करते रहते हैं कि सर टीओसी कब कंप्लीट होगा नेटवर्किंग कब कंप्लीट होगा एंड एनसॉन so तो देखो भाई मैं अपने हिसाब से अपनी स्पीड से चल रहा हूँ मेरे पर कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है मेरे को उनको भी पे करना है और जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ ना वो पूरी डीप में जाके बनाता हूं मैं नहीं चाहता मैं सुपरफिशियल नॉलेज लेके भाग जाऊं और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा आई थिंक आप लोग देखते हो एक बार जो भी टॉपिक आपने मेरे से पढ़ लिया उसके बाद गेट के क्वेश्चन तो आपको कुछ लगते नहीं होंगे वो तो एज इट इज बस देखा और सोल्व देखा और सोल्व जैसे नॉवल पढ़ते हैं ना ऐसे आप गेट के क्वेश्चन आई थिंक सोल्व करते होगा है ना बिल्कुल टाइम नहीं लगता वे में और बहुत बहुत आराम से आपसे सब टिक लगते चले जाते होंगे तो अगर आपको इसी स्टाइल से पढ़ना है तो भी थोड़ा सा पेशेंस रखो ठीक है मैं वीडियोस डालता रहूंगा डेली बेसिस पे एक दो एक दो या मतलब जितना मेरे से हो पाएगा मैं डालता रहूंगा ठीक है और बाकी और मैं क्या बोलूं भाई है ना मैंने कोई मतलब मैं इतना कोई माइंड मेकअप नहीं करके बैठा हूं बस एकदम मैंने इतने सारे मैसेजेस पढ़े तो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बिंग लगा तो इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो बना करके एटलीस्ट आपको कंफर्म कर देता हूँ पूछ रहे थे कि सर आप अब अपने चैनल पे वीडियोस नहीं डालेंगे या आपके वीडियोस डिलीट कर देगी अन अकेडमी एंडसोन ऐसा कुछ नहीं है भाई है ना मैंने कोई किसी तरीके का इस टाइप का मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया उनके साथ चैनल मेरा मेरे पास ही रहेगा मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि कि वो लोग मेरे चैनल को कंट्रोल करें एंड सॉन so ऐसा कुछ नहीं है मैं सिंपल बस नॉन टेक्निकल वीडियो थोड़े बहुत उनके लिए डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मैं उन लोगों से अर्न कर सकूं बस डेट इट और इस, और इसके ऊपर कुछ नहीं है जो मेरा कंटेंट है वो एज इट इज रहेगा और डेली बेसिस पे जो जैसे मैंने आप लोगों को प्रोमिस कर रखा है मैं वीडियो डालता रहूंगा ठीक है ओके चलो ठीक है थैंक यू सो मच बाय